आज भिन्न के पांचवा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। भिन्न का चार को प्रकार इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज पांचवा प्रकार के बारे में हम लोग को जानना है। आज हम लोग देखना है समहर भिन्न किसे कहते हैं, समहर भिन्न किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन जो होता है हम लोग समहर भिन्न के बारे में जानेंगे। वैसा भिन्न जिसका हर एक समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का हर समान होता है, जिस भिन्न का हर समान होता है उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 इसको हम लोग समहर भिन्न कहते हैं, इसको हम लोग समहर भिन्न कहते हैं। हाँ, भिन्न का छठा, भिन्न का छठा विसमहर भिन्न किसे कहते हैं, विसमहर भिन्न किसे कहते हैं या क्या है, विसमहर भिन्न किसे कहते हैं और क्या है देखना है। वैसा भिन्न जिसका हर एक समान न हो, वैसा भिन्न जिसका हर एक समान न हो उसे विसमहर भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/4, 5/3, 7/2, 9/7 इसका हर समान नहीं है, इसका हर समान का है नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे, इसको हम लोग विसमहर भिन्न कहेंगे जिसका हर समान नहीं होता है। अब भिन्न के सत्वा, भिन्न के सत्वा भाग को देखना है। मिश्रित भिन्न क्या है, वैसा भिन्न जिसका अंशों का अंश तथा हरों का हर हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसके अंशों का अंश तथा हरों का हर हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 यानी कहने का मतलब यह अंशों का अंश तथा हरों का हर होता है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न किससे कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न किससे कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश को हर तथा हर को अंश में बदल लिया जाता है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश को हर तथा हर को अंश में बदल दिया जाता है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे वह 4/3, जैसे वह 4/3 है, यह अंश है और यह क्या है, हर है, अंश और हर। अब इसको हम लोग 3/4 लिख देंगे तो यह व्युत्क्रम हो जाता है, यह क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यह व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है, इसी को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। 5/4, अगर इसको हम लोग 4/5 कर दें तो यह व्युत्क्रम हो जाता है। 9/4 है, 4/9 कर देंगे तो यह व्युत्क्रम हो जाता है, इसको हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं।